दोस्तों दुनिया भर में जानवरों की कई अजीबोगरीब प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कुछ को तो हम लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिससे हम और आप आज तक अनजान हैं। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे विचित्र जानवर जिसे पहली बार देखने के बाद शायद आप शॉक हो जाएंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ब्लू ग्लैकस। दोस्तों आप इस वीडियो में अभी जिस जीव को देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस जीव को कभी नहीं देखा होगा। ये क्रिएचर जो दिखने में काफी प्यारा लग रहा है, वो आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जीव काफी जहरीला होता है। छोटा सा दिखने वाला ये क्रिएचर पानी के सबसे निचले तल में रहता है, जो समंदर में रहने वाले खतरनाक पोर्तुगीज मोनोवर नाम के जीव को खाता है। कहा जाता है कि गलती से भी इस क्रिएचर का कांटा किसी को चुभ जाए तो शरीर में सहन ना करने वाला दर्द उठेगा, और ऐसे जीव को जब ब्लू ग्लैकस खाते हैं तो ये उनसे भी ज्यादा जहरीले हो जाते हैं। ये क्रिएचर दो रंगों में पाए जाते हैं, ऊपर से नीला और इनके दूसरे तरफ से सफेद रंग का शरीर होता है। ये अपने अट्रैक्टिव शरीर से दूसरे जानवर को सबसे पहले तो आकर्षित करते हैं, और जैसे ही वो इनके संपर्क में आते हैं वो बेचारे मारे जाते हैं। बॉक्स जेलीफिश। दोस्तों दुनिया में जेलीफिश की कई सारी प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें बॉक्स जेलीफिश दुनिया का सबसे जहरीली और खतरनाक जेलीफिश की गिनती में आता है। यही नहीं, साइंटिस्ट के मुताबिक ये समंदर में रहने वाला सबसे खतरनाक क्रिएचर में से एक है। ये इतने जहरीले होते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये छोटा सा दिखने वाला बॉक्स जेलीफिश एक इंसान को 10 मिनट के अंदर उसकी जान ले सकता है। ऑस्ट्रेलिया में कई सारे स्विमर्स इस बॉक्स जेलीफिश के वजह से अपना जान गंवा दिए हैं। हालांकि इसे देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि ये किसी का जान भी ले सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनके संपर्क में आने के बाद इंसान के शरीर में सबसे पहले तो कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चंद मिनटों बाद वो अपना जान गंवा बैठते हैं। स्पाइडर क्रैब। दोस्तों केकड़ों के भी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हम आपको जो केकड़ा दिखाएंगे उसे शायद अब तक आप अनजान होंगे। मिलिए बिग डैडी क्रैब से, जिसे स्पाइडर क्रैब भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पैरों की लंबाई द ग्रेट खली के शरीर से भी ज्यादा लंबा है। इस केकड़े की पैरों की औसतन लंबाई 10 से 11 फीट लंबे होते हैं। समंदर में रहने वाला ये एक ऐसा केकड़ा है जिससे बड़े बड़े जलीय जीव खौफ खाते हैं, जिसके पीछे का कारण है उनके भयावह विशालकाय शरीर, जिसे देखने के बाद एक वक्त के लिए इंसान भी खौफ खा जाएगा। पैरासाराथीरियम। इस अजीबोगरीब दिखने वाले जानवर धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा मैमल था, जो कई हजार साल पहले इस धरती से विलुप्त हो गए। पैरासाराथीरियम एक तरह के बिना सिंह का रायनो हुआ करते थे, जिनके विशालकाय शरीर के सामने एक हाथी भी एक बंदर के जैसा नजर आता था। इनके शरीर 24 फीट तक लंबे हुआ करते थे और वजन 15 से 20 हजार किलोग्राम तक होते थे। हालांकि ये दिखने में विशालकाय जरूर थे, लेकिन ये जानवर खतरनाक नहीं होते थे। ये भोजन में मुख्य रूप से पेड़ पौधे खाया करते थे और अपने से दूसरे जानवर को नुकसान भी नहीं पहुंचाते थे। बस फर्क इतना था कि इनके शरीर काफी भयावह और विशालकाय होते थे। ब्लोब फिश। ये एक ऐसी मछली की प्रजाति है जिसे दुनिया का सबसे अगले यानी कि बेहद ही भद्दा मछली कहा जाता है। इस मछली को ब्लोब फिश कहते हैं, जो समंदर के सबसे गहरे पानी में पाया जाता है। ये एक ऐसा मछली है जिसके शरीर में एक भी हड्डी और एक भी दांत नहीं पाए जाते, जिसके वजह से ये एक बड़े मांस के लोथड़ी की तरह लगते हैं। शरीर में हड्डियां ना होने की वजह से ये मछली ज्यादा मूवमेंट भी नहीं कर पाती। हालांकि दुनिया भर में इस फिश को भी बड़े चाव से खाया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मछली को खाना काफी खतरनाक है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये मछली एक आम मछली की तरह खा सकते हैं। हालांकि सच्चाई तो वही बता सकते हैं जो ब्लोब फिश को वाकई में खाए होंगे। मास्क डियर। दोस्तों वैसे तो आपने हिरन काफी सारे नस्ल के देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा हिरन देखा है जिसके पास एक वैम्पायर की तरह दो नुकीली दांत बाहर की ओर होते हैं? इस दांत को देखने के बाद ये हिरन काफी डरावना लगता है, लेकिन असल में ये डरावने नहीं होते, क्योंकि ये हिरन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इंसान ही इस मास्क डियर का शिकार करने में लगे हुए हैं।
इस दुर्लभ हिरण को हिमालय के आसपास देखा जाता था, लेकिन अब इसकी संख्या काफी कम बची है, जिसका मुख्य कारण है इस हिरण के नाभि में मौजूद एक ऐसा लिक्विड जिसे कस्तूरी कहा जाता है। ये कस्तूरी दुनिया भर में महंगे परफ्यूम बनाने के काम में आते हैं, जिसके वजह से दुनिया भर में इस डियर का शिकार उसके कस्तूरी के वजह से हो जाते हैं और दुनिया भर में इसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ऐसे में लोगों को तो काफी खुशबूदार परफ्यूम मिल जा रही है, लेकिन उसके लिए इस दुर्लभ जानवर को अपनी जान गंवानी पड़ जा रही है। सार्कोसुकस। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे खतरनाक और विशालकाय जानवर कौन है, तो शायद आप डायनासोर के बारे में बात करेंगे, जो कि एक तरह से सही भी है। लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसा दानव से जिसके सामने डायनासोर भी एक चींटी के जैसा नजर आएगा। वो इतना खतरनाक था जो डायनासोर जैसे जानवर को भी निगल जाता था। हम बात कर रहे हैं कई हजार साल पहले इस धरती पर रहने वाला एक मगरमच्छ का नस्ल जिसे सार्कोसुकस कहा जाता था, जो डायनासोर जैसे विशालकाय जानवर को अपने भोजन की तरह इस्तेमाल करते थे। ये तो अच्छा हुआ कि सार्कोसुकस इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, वरना अब तक इस दुनिया का विनाश निश्चित हो जाता। ये अपने जमाने में 30 से 40 फीट तक बड़े होते थे और वजन करीब 7 से 8 हजार किलोग्राम तक होता था, और इनके मुंह इतने बड़े होते थे कि उनमें 100 से ज्यादा दांत होते थे। जब ये पास से गुजरते थे तो वहां थोड़े देर के लिए जमीन में कंपन उठ जाती थी। टाइटन बोआ। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़े सांप की बात हो तो उसमें एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक सांप ऐसा भी है जो एनाकोंडा से भी बड़ा है? जी हाँ फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं एक सांप टाइटन बोआ की, जो कभी इस धरती पर राज किया करते थे। पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसा विशालकाय सांप जिसकी लंबाई 43 फीट और वजन 12,000 किलोग्राम हुआ करता था, जो आज के एनाकोंडा सांप से ये करीब 5 गुना ज्यादा लंबा और भारी होते थे। ये उस जमाने में इतने खतरनाक होते थे कि जंगल में मौजूद बड़े से बड़े जानवर को अपना शिकार बना लेते थे। दुनिया में कई जगहों पर टाइटन बोआ का फॉसिल्स मिला है, जिसे देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े और विशालकाय जीव हुआ करते थे। बॉबिन फिश। आप जो वीडियो को देखेंगे उसे देखने के बाद यकीनन आपकी आंखों को विश्वास नहीं होगा। बॉबिन नाम की एक फिश अपने से बड़े साइज के ईल को जिंदा निगल जाती है। बॉबिन फिश के दांत काफी खतरनाक होते हैं और यही कारण है कि इसके चपेट में आने वाले दूसरा जिंदा मछली अपना जान गंवा बैठती है। बॉबिन फिश एक ऐसा मछली है जो अपने ही प्रजाति को खाकर अपना पेट भरती है। अगर आप कभी खाने में बॉबिन फिश ऑर्डर करते हैं तो उसके पेट को जरूर चेक करें, क्या पता उसके अंदर से एक और मछली बाहर निकल आए। सीसी फ्लाई। दोस्तों, क्या कोई मक्खी किसी इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है? शायद नहीं, लेकिन दुनिया में मौजूद एक खास तरह की मक्खी है जो इंसानों का खून पीती है। जी हाँ फ्रेंड, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अफ्रीका देश में पाए जाने वाला सीसी फ्लाई मक्खी इतना खतरनाक होते हैं कि अगर ये किसी इंसान के ऊपर बैठ जाए तो ये एक मच्छर की तरह भारी मात्रा में खून चूस लेते हैं। ये मक्खी इतना जानलेवा है कि किसी भी इंसान के खून को पीने के साथ साथ उससे बीमार भी कर देती है। इसके काटने के बाद सामान्यतः सर दर्द, बुखार और कमजोरी जैसा फीलिंग होने लगता है। अफ्रीका में हर साल इस मक्खी के कारण 2 से 3 लाख लोग बीमार हो जाते हैं। हालांकि सीसी फ्लाई अब काफी सारे देशों में भी फैल गया है, तो उस हिसाब से अब हर इंसान को मक्खियों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सीसी फ्लाई किसी भी इंसान को बहुत बीमार कर सकती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे क्रिएचर जिसके बारे में अब तक कई लोग अनजान होंगे। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको इनमें से कौन सा क्रिएचर सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और अनोखे जानवर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।